हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हमने क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री बुक के चौथा चैप्टर लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी का दूसरा पार्ट लेकर आप लोग के सामने आए हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिवेलियन इन द फॉरेस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रिवेलियन इन द फॉरेस्ट, वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग बस्तर में जो 1910 में एक विद्रोह हुआ था उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। द पीपुल ऑफ बस्तर, बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबाने बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, तो इनके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दंड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने गांव का समूह के गांवों के मुखिया जुटाते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर बातें की जाती है। द फियर्स ऑफ द पीपुल, लोगों का भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार तथा अन्य वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसा प्रस्ताव पारित किया, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगलों को आग लगने से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग वगैरह किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगान और चीजों की निरंतर मांग से व्याकुल हो चुके थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होने पर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के घुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेतातर गांव के गुंडा घुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों तथा जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगतपुल में चला आ रहा था। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों।
अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाही, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाए गए तथा उन्हें सजा देते हुए सैनिक गांव-गांव में घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने, फरवरी से लेकर मई तक का समय लग गए। फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणवादियों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। अब दोस्तों हम लोग इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा के जंगलों में क्या क्या बदलाव हुए। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। द वुडकटर्स ऑफ जावा, जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत ही मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को सभी ने दबा दिया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, डच वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री के बारे में देखते हैं। 19वीं शताब्दी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए उन्हें दंडित किया गया। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनें के निर्माण में वन प्रबंधक और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी गई। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठरों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की, जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे एक सामूहिक रूप से जंगल काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडरग्रिएस्ट के नाम से जाना जाने लगा। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना भी दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करके उनके अधिकार को सीमित ही कर दिया गया। सामिन्स चैलेंज, सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रैंडुब्लैंक्स विलेज जो गांव था, गांव के निवासी सुरंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता।
जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने तथा बेगार करने से इनकार कर दिया। इसके अगले टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, वार एंड डिफोरेस्टेशन, युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा था। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग जाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रण करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा होना शुरू हो गया। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारें को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक जो फॉरेस्ट्री है और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इसकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणवादी अब वन प्रबंधक के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे फोर्थ चैप्टर का टोटल हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कोई दूसरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोग के सामने आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।